तो आज सबसे पहले हम इंजन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इंजन कितने प्रकार का होता है इंजन में कितने प्रकार के लाइट्स होते हैं और इनके क्या काम हैं या इनमें जब कुछ प्रॉब्लम हो जाने से तो गाड़ी का संचालन किस प्रकार किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और बेल घंटी बजा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो सबसे पहले देखते हैं इंजन कितने प्रकार का होता है तो इंजन दो प्रकार का होता है पहला डीजल इंजन और दूसरा इलेक्ट्रिक इंजन ठीक है इंजन कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का पहला डीजल इंजन और दूसरा इलेक्ट्रिक इंजन ये देखिए आपका डीजल इंजन हो गया ये आपका डीजल इंजन हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक इंजन हो गया ठीक है देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है आपको तो ये आपका इलेक्ट्रिक इंजन हो गया और ये आपका डीजल इंजन हो गया आगे चलते हैं अब देखते हैं डीजल इंजन तीन प्रकार का होता है ठीक है कौन कौन होता है एक पैसेंजर ट्रेन के लिए होता है दूसरा गुड्स ट्रेन के लिए होता है तीसरा मिक्स ट्रेन के लिए होता है तो डीजल इंजन कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार के का होता है पहला पैसेंजर ट्रेन के लिए होता है दूसरा गुड्स ट्रेन के लिए होता है तीसरा मिक्स ट्रेन के लिए होता है ठीक है तो अब इंजन को पहचानेंगे कैसे तो उसमें कुछ कोडिंग होता है पहला है आपका डब्लू ठीक है पहला क्या है डब्लू डी पी डब्लू डी पी पैसेंजर ट्रेन को इंगित करता है ठीक है जिस भी इंजन में डब्लू डी पी लिखा हो इसका मतलब समझ जाइए कि पी फॉर पैसेंजर ठीक है पी फॉर पैसेंजर डी फॉर डीजल और डब्लू फॉर ब्रॉडगेज को इंगित करता है ठीक है तो यहाँ क्या हो गया आपका डब्लू डी पी पैसेंजर ट्रेन के लिए हो गया पी फॉर पैसेंजर ठीक है डब्लू डी जी जी फॉर गुड्स गुड्स ट्रेन के लिए हो गया और डब्लू डी एम एम फॉर मिक्स ट्रेन तो यह मिक्स ट्रेन के लिए हो गया और डब्लू क्या बताता है डब्लू आपको ब्रॉडगेज को बताता है डी फॉर डीजल हो गया दो नंबर में देखिए डब्लू डी जी यहाँ जी यहाँ गुड्स को बता रहा है ठीक है तो डब्लू क्या बता रहा है आपको डब्लू ब्रॉडगेज को बता रहा है डी डीजल को बता रहा है पी पैसेंजर को बता रहा है और एम मिक्स को बता रहा है ठीक है आगे चलते हैं तो क्या हो गया डब्ल्यू फॉर ब्रॉडगेज हो गया डब्ल्यू फॉर ब्रॉडगेज हो गया डी फॉर डीजल इंजन हो गया पी फॉर पैसेंजर ट्रेन हो गया जी फॉर गुड्स ट्रेन हो गया और ए फॉर इलेक्ट्रिक इंजन हो गया ठीक है अगर अगर कहीं रहे डब्लू डी पी इसका मतलब क्या समझेंगे डब्ल्यू फॉर ब्रॉडगेज है डी फॉर डीजल इंजन है और फी फॉर पैसेंजर के लिए यानी ये इंजन जो है किसके लिए है ब्रॉडगेज में डीजल इंजन है और किस ट्रेन के लिए है पैसेंजर ट्रेन के लिए है इसी तरह अगर रहे डब्लू डी जी इसका क्या मतलब हो जाएगा ब्रॉडगेज डीजल गुड्स के लिए है अगर जी के इसी तरह अगर डब्लू डी एम अगर रहे लिखा हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा ब्रॉड डीजल मिक्स तो यहाँ समझ गए होंगे आप लोग जो होता है या जी या न, इसका मतलब आप लोग समझ गए अब आगे चलते हैं अगला आपका इंजन में तीन प्रकार का लाइट होता है इंजन में कितने प्रकार का लाइट होता है तीन प्रकार का लाइट होता है पहला कौन होता है हेड लाइट होता है दूसरा मार्कर लाइट होता है तीसरा फ्लशर लाइट होता है तो इंजन में कितने प्रकार का लाइट होता है तीन प्रकार तो इंजन में तीन प्रकार का लाइट होता है पहला हेड लाइट दूसरा मार्कर लाइट तीसरा फ्लशर लाइट अब तीनों का जो है अलग अलग काम है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं यहां लाइट का क्या काम है सबसे पहले लाइट को देखने का प्रयास कर तो इसमें देखते हैं फ्लशर लाइट कौन सा है हेडलाइट कौन सा और मार्कर लाइट कौन सा है तो सबसे पहले फ्लसर लाइट को देखते हैं तो ये देखिए आपका ये फ्लेशर लाइट हो गया ठीक है सॉरी ये आपका <णिखीग> फ्लसर लाइट हो गया इसके बाद यहां देखिए ये आपका हेड लाइट हो गया और मार्कर लाइट देखिए यहां बफर के पास छोटा सा है ठीक है मार्कर लाइट कहाँ है यह है बफर के पास थोड़ा सा छोटा सा और आपका फ्लसर लाइट कहां हो गया ये आपका फ्लसर लाइट हो गया ये आपका फ्लसर लाइट हो गया इससे पीली रोशनी निकलती है हेडलाइट है और एक चीज याद रखिएगा फ्लशर लाइट आपका जो होता है वो जब भी होता है हेडलाइट के right राइट साइड होता, होता, right होता है और हेडलाइट से छोटा होता है फ्लशर लाइट कहाँ होता है हेडलाइट के राइट साइड होता है और हेडलाइट से छोटा होता है और इससे तेज पीली रोशनी निकलती है ठीक है मार्केट लाइट जहाँ जहां तक बात है मार्केट लाइट की मार्केट लाइट एक सेफ्टी इक्विपमेंट है और हेडलाइट तो समझते ही है हेडलाइट है चलते हैं आगे आगे आपको हाँ हेडलाइट के बारे में जानते हैं हेडलाइट होता क्या है तो हेडलाइट में ट्विन बीम लाइट का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट जो होता है उसमें ट्विन बीम लाइट का प्रयोग किया जाता है क्या कौन सा लाइट प्रयोग किया जाता है ट्विन बीम लाइट का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट से 240 मीटर की दूरी साफ साफ दिखनी चाहिए गाड़ी की हेडलाइट से कितनी दूरी दिखनी चाहिए 240 मीटर की दूरी साफ साफ दिखनी चाहिए तीसरा इसका है हेडलाइट खराब हो जाने पर गाड़ी की चाल कितनी हो जाती है चालीस किलोमीटर प्रति घंटा घटकर कितनी हो जाएगी चालीस किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी जब गाड़ी का हेडलाइट खराब हो जाएगा तो गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी चालीस किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी जब दिन में किसी सुरंग या किसी कम दृश्यता वाली जगह से गुजरे तो उसमें हेडलाइट जला लेनी चाहिए ठीक है हेडलाइट का प्रयोग कब कब किया जाएगा जब दृश्यता कम हो रात में या कभी जब सुरंग से गुजरे उस समय तो हेडलाइट के बारे में कितने चीज़ हम लोग जान गए पहला जान गए कि इसमें ट्विन बीम लाइट का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट से 240 किलोमीटर साफ साफ दिखनी चाहिए हेडलाइट अगर ख़राब हो जाए तो गाड़ी की चाल 40 के एम पी एच हो जाएगी और जब सुरंग से गुजरे या कम दृश्यता वाली जगह से गुजरे उसमें गाड़ी की उसमें हेडलाइट जलानी चाहिए आगे चढ़ते हैं आगे देखते हैं मार्केट लाइट मार्केट लाइट क्या होता है तो मार्केट लाइट सफ़ेद रंग का होता है ठीक है लाइट किस रंग का होता है सफेद रंग का होता है और ये कहाँ है बफर के पास लगा रहता है दो छोटा ठीक है है लाइट रहता बफर के पास लगा रहता है यहाँ देखिए ये दो छोटा जो लाइट है यहाँ ये आपका बफर लाइट है ये दोनों ये बफर लाइट है ये देखिए बफर लाइट बफर के पास लगा हुआ है ये दोनों मार्कर लाइट है ठीक है ये दोनों कौन सा लाइट है मार्कर लाइट है तो मार्कर लाइट कहाँ लगा रहता है बफर के पास लगा रहता है मार्कर लाइट सफेद रंग का होता है ठीक है अब मार्कर लाइट का काम क्या है जब इंजन अकेले जाता है तो पीछे का मार्कर लाइट लाल कर दिया जाता है ठीक है जब इंजन अकेले जाता है तो पीछे का मार्कर लाइट लाल कर दिया जाता है या जब बैंकिंग इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उस स्थिति में भी मार्कर लाइट को रेड कर दिया जाता है ठीक है तो मार्कर लाइट के बारे में क्या क्या जाने पहला यह सफ़ेद रंग की होती है दूसरा यह बफर के पास लगी होती है तीसरा जब इंजन अकेले जाता है तो पीछे का मार्कर लाइट को रेड कर देनी चाहिए चौथा जब बैंकिंग इंजन के रूप में प्रयोग किया जाए उस स्थिति में भी मार्कर लाइट को रेड कर देनी चाहिए अब चलते हैं अगला अगला आपका फ्लसर लाइट ठीक है फ्लसर लाइट के बारे में जानते हैं पहला फ्लसर लाइट इंजन का सेफ्टी इक्विपमेंट है फ्लसर लाइट जो है इंजन का क्या है एक सेफ्टी इक्विपमेंट है ठीक है दूसरा फ्लेशर लाइट खराब होने पर इंजन को भी खराब माना जाएगा जब फ्लेशर लाइट खराब हो जाएगा तो इंजन को खराब माना जाएगा ठीक है तीसरा फ्रेशर लाइट हेड लाइट के दाई और यानी राइट साइड तथा आकार में छोटा होता है फ्लेशर लाइट जो होता है हेड लाइट के दाई और लगाया जाता है यानी राइट साइड लगाया जाता है और आकार में हेड लाइट से छोटा होता है ठीक है चौथा आपका फ्लेशर लाइट ऑन करने पर तेज पीली रोशनी देता है जब फ्लेशर लाइट को ऑन किया जाता है तो क्या देता है मिली तेज रोशनी देता है पांचवा आपका अगर सामने से आने वाला कोई गाड़ी फ्लैशर लाइट देखता है तो वह तुरंत गाड़ी को रोक देगा समझ गए अगर किसी इंजन का फ्लैशर लाइट जल रहा है और सामने से कोई गाड़ी आ रही है इस स्थिति में जैसे ही उसको फ्लैशर लाइट दिखाई दिखाई देगा तो अगला सामने से आने वाले गाड़ी वाले के ड्राइवर क्या करेंगे गाड़ी को रोक देंगे तो फ्लैशर लाइट के बारे में क्या-क्या जानना पहला फ्लेशर लाइट इंजन का सेफ्टी इक्विपमेंट होता है फ्लेशर लाइट खराब होने पर इंजन को भी खराब माना जाएगा ठीक है तीसरा है फ्लैशर लाइट हेडलाइट के दाई ओर लगाया जाता है और आकार में छोटा होता है ठीक है फ्लैशर लाइट ऑन करने पर पीली तेज रोशनी देता है ठीक है अगर सामने से आने वाला कोई गाड़ी फ्लैशर लाइट देखता है तो वह तुरंत गाड़ी को रोक देगा इसका और आगे देखते हैं इसका अब है अगर इंजन का हेडलाइट खराब हो जाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए ठीक है अगर इंजन ख़राब हो जाए तो सबसे पहले तुरंत अगर हेडलाइट खराब हो जाए तो सबसे पहले मार्कर लाइट को जला दिया जाना चाहिए ठीक है अगर इंजन का हेडलाइट ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे मार्कर लाइट को जला देंगे ठीक है हेडलाइट खराब होने पर लगातार सीटी बजानी चाहिए और गाड़ी की अधिकतम चाल चालीस किलोमीटर प्रति घंटा कर देनी चाहिए ठीक है रात्रि कालीन हिल सेक्शन में अगर हेडलाइट खराब हो जाता है तो गाड़ी का प्रचालन बंद कर देनी चाहिए ठीक है तो जब इंजन का हेडलाइट खराब हो जाता है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले मार्कर लाइट जला देनी चाहिए क्या करना चाहिए मार्कर लाइट जला देनी चाहिए ठीक दूसरी बात लगातार सिटी बजानी चाहिए तीसरा अधिकतम चालीस किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी को चलानी चाहिए चौथा रात्रि कालीन हिल सेक्शन में गाड़ी का प्रचालन बंद कर देना चाहिए आगे चलते हैं अब जब इंजन में सिटी होता है अब जब इंजन का सिटी खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए ठीक है तो अगर इंजन का सिटी खराब हो जाता है सबसे पहले तो गाड़ी को ख़राब माना जाएगा इंजन का अगर सिटी खराब हो जाता है तो गाड़ी को खराब माना जाएगा ठीक है और अगर रास्ते में चलते समय गाड़ी का सिटी खराब हो जाए तो दृश्यता साफ़ होने पर यानी कि दिन के समय गाड़ी का स्पीड कितना होगा पच्चीस किलोमीटर पर आवर और जब रात में यह दृश्यता साफ न हो तो गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा आठ किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ठीक है तो कह रहा है अगर गाड़ी का सीटी खराब हो जाए तो गाड़ी को सबसे पहले खराब माना जाएगा ठीक है इसके बाद जब दृश्यता साफ होगा यानी दिन के समय गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा पच्चीस किलोमीटर हो जाएगा और रात में गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा आठ किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे है जब इंजन का स्पीडोमीटर खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए अगर आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर खराब हो जाए तो गाड़ी को क्या होगा खराब माना जाएगा अगर गाड़ी का स्पीडोमीटर खराब हो जाता तो हो है तो गाड़ी को भी खराब माना जाएगा ठीक है स्पीडोमीटर अगर रास्ते में खराब होता है तो गाड़ी की चाल को बीस प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ठीक है और ये बीस प्रतिशत जो है हर एक क्षेत्रीय रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कहीं दस परसेंट कम किया जाता है कहीं बीस परसेंट कम किया जाता है जैसे कि हमारे एन एफ रेलवे में जो है एन एफ रेलवे मालीगाँव जो है यहाँ अगर स्पीडोमीटर ख़राब हो जाता है तो यहाँ चाल जो है बीस परसेंट कम किया जाता है ठीक है जैसे महाराष्ट्र का जो भूसावल है वहाँ दस परसेंट कम किया जाता है इस प्रकार ये जो है स्पीडोमीटर ख़राब होने पर जो चाल में जो कमी किया जाता है वो हर एक क्षेत्रीय रेलवे पे अलग अलग होता है और वो क्षेत्र के हिसाब से लागू किया जाता है ठीक है क्षेत्रीय रेलवे के परिस्थितियों के आधार पर लगाया जाता है हा? बीस परसेंट तो कहीं दस परसेंट तो कहीं कुछ और होगा ठीक है तो स्पीडोमीटर जब खराब हो जाता है उसमें क्या करना चाहिए सबसे पहले गाड़ी को खराब घोषित किया जाएगा ठीक है गाड़ी का स्पीड बीस प्रतिशत कम कर देनी चाहिए एन एफ रेलवे के अनुसार आगे चलते हैं अगला है आपका जब इंजन का अगला कैब खराब हो जाए जब इंजन का अगला कैब खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए सबसे पहले अगली कैब खराब होने पर सहायक लोको पायलट पिछली कैब से गाड़ी को चलाएगा ठीक है जब अगला कैब खराब हो जाएगा तो गाड़ी कौन चलाएगा लोको पायलट के बजाय सहायक लोको पायलट चलाएंगे और वह पिछले कैब से चलाएंगे ठीक है इसका गाड़ी संचालन की पूरी जिम्मेदारी लोको पायलट के ऊपर होगा गाड़ी चलाएंगे सहायक लोको पायलट पिछले कैब से लेकिन जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी लोको पायलट के ऊपर होगी ठीक है अगर अगला कैब खराब हो जाता है तो गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी घटकर चालीस किलोमीटर अधिकतम चालीस किलोमीटर से के स्पीड से ही गाड़ी चलाया जा सकता है ठीक है तो अगर अगला कैब खराब हो जाता है उस स्थिति में क्या करना चाहिए सबसे पहले पिछले कैब से सहायक लोको पायलट गाड़ी चलाएँगे ठीक है गाड़ी का अधिकतम स्पीड चालीस किलोमीटर होगा ठीक है गाड़ी संचालन की पूरी जिम्मेवारी लोको पायलट की होगी आगे चलते हैं तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अंत में बेल घंटी बजा दीजिए ताकि इसी तरह रोचक जानकारी का आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो धन्यवाद दोस्तों विदा चाहते हैं आपसे